once again good morning to all. And yesterday we have discussed about the profit and loss and profit and loss percentage, or to find CP and SP directly or by the given formula. Today we will discuss about simple interest. ठीक है, देखिए इंटरेस्ट वर्ड की अगर हम बात करें, ये मनी से रिलेटेड है। देखिए, जब हमारे पास कोई इनकम का सोर्स है, जो भी है, आपके फादर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक है, या और सम टाइप ऑफ अदर काम करते हैं, वो किस लिए? मनी अर्न करने के लिए। लेकिन जो मनी अर्न की जाती है, जो आपकी मनी है जो आपने अर्न की है, उसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट तो एक्सपेंडिचर, यानी आपने खर्च कर दिया, जो घर की डेली हाउस होल्ड नीड है उन पे खर्च किया, एक्सपेंडिचर में चला गया, वो खर्च हो गया, कंज्यूम हो गया वहीं का वहीं। लेकिन क्या हम सारे पैसे को खर्च करते हैं? नहीं, हम सारे पैसे को खर्च नहीं करते हैं, उसका कुछ पार्ट फ्यूचर के लिए हम सेविंग बना के रखते हैं। तो जो सेकंड पार्ट है उस मनी का, दैट इज सेविंग्स, ठीक है। कुछ पैसा हमने खर्च कर दिया हाउस होल्ड एक्टिविटीज में, परचेज करने में, कपड़ों में, गेहूं में, फल में, तेल में, एक्सेट्रा। बाकी जो बचा हमारे पास, वो हमने फ्यूचर के लिए सेव कर लिया। वो कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, हमने इस सेविंग को इकट्ठा किया, कलेक्ट किया अपने पास, ठीक है। लेकिन क्या हम इसको हमेशा अपने पास रखते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं, इसको बैंक में या पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कर देते हैं। तो उस बैंक या पोस्ट ऑफिस या इन्वेस्टमेंट जहां भी हमें करना है, बैंक या पोस्ट ऑफिस, ठीक है, उसमें हमने इसको डिपॉजिट किया। अब इस डिपॉजिट करने के हमारे पास क्या कारण है, हम क्यों डिपॉजिट करते हैं? वहां डिपॉजिट करने का कारण क्या है, क्यों डिपॉजिट किया हमने उसको, हम अपने पास क्यों नहीं रखा? देखिए, इसके भी दो रीजन है हमारे पास। फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है सिक्योरिटी। क्या रीजन है? सिक्योरिटी। जो मनी हमारे पास कलेक्टेड है, मे बी चोर चुरा ले, ठीक है, मे बी कहीं गुम हो जाए, कोई उठा ले, ठीक है। तो मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो क्या है? सिक्योरिटी। और जो सेकंड अदर इंपॉर्टेंट रीजन है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट क्या है कि हमने पैसे को इस तरीके से लगाया कि उसका अमाउंट बढ़ गया, जो हमने जमा किया था, जो डिपॉजिट किया था, उससे कुछ बढ़ा के हमें मिला। तो जो अमाउंट हमने डिपॉजिट की, हमने उसको कुछ समय के लिए रखा, फिर हमें जो अमाउंट मिली वो अमाउंट कुछ ज्यादा थी इस डिपॉजिट वाली अमाउंट से, हमें कुछ प्लस होके मिली, ठीक है। वो अमाउंट जो हमें प्लस होके मिली, वही इंटरेस्ट कहलाता है। वही क्या कहलाता है? इंटरेस्ट। यानी क्या है, बैंक या पोस्ट ऑफिस जहां भी हम अपनी अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं, अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हैं, वो हमें कुछ पैसा उस पर एक्स्ट्रा बढ़ा के देता है, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू मनी, अकॉर्डिंग टू रेट, तीन चीजों पर डिपेंड करता है। उसी बढ़ी हुई अमाउंट को हम इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट हमें मिलता है, वो हमारी एक्स्ट्रा सेविंग्स है, जो हमारी सेविंग्स पर हमें मिली है। अभी जो इंटरेस्ट है, ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहली चीज, आपने कितना रुपया जमा किया है, कितना रुपया जमा किया। जितना आप ज्यादा जमा करेंगे, उतना ही अमाउंट भी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तो जो इंटरेस्ट है, वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, मनी डिपॉजिटेड, और इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, ठीक है। यानी जो अमाउंट हमने जमा की है, वो प्रिंसिपल अमाउंट है, और जितनी वो ज्यादा होगी, उतना ही हमें इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलेगा, जितनी वो कम होगी, उतना ही हमें इंटरेस्ट भी कम मिलेगा। सेकंड थिंग होती है हमारे पास टाइम। टाइम, जितना ज्यादा टाइम होगा, टाइम फॉर विच अमाउंट इज डिपॉजिटेड, फॉर विच अमाउंट इज डिपॉजिटेड। मान लीजिए कोई एक पर्सन है, वो एक महीने के लिए अपना पैसा बैंक में छोड़ता है, तो उसको कम पैसे मिलेंगे। दूसरा 6 महीने बाद निकालता है, तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। यानी इंटरेस्ट डिपेंड ऑन टाइम, जितना टाइम ज्यादा उतना ही इंटरेस्ट ज्यादा, और जितना टाइम कम उतना ही इंटरेस्ट कम। और थर्ड, जो थर्ड चीज है हमारे पास, वो होती है रेट। देखिए, रेट क्या है, ऐसा थोड़ी कि वो हमें किसी भी हिसाब से पैसे बढ़ा के दे देगा, उसके लिए एक फिक्स क्राइटेरिया है। जो रेट है, वो परसेंटेज पर ईयर में होती है। परसेंटेज पर ईयर का मतलब है आर परसेंट पर ईयर, किचन में लगा दो, या पर एनम। आर परसेंट पर एनम का मतलब है कि रुपीज इंक्रीज
रुपीज इंक्रीज्ड पर 100 इन अ ईयर, पर 100 इन अ ईयर, यानी एक साल में 100 रुपए पर जितनी अमाउंट हमारी बढ़ जाती है उसको हम रेट बोलते हैं परसेंट में, आर परसेंट पर एनम, एनम का मतलब ईयर, इसका मतलब 100 रुपए पर जितने रुपए बढ़ जाते हैं वही हमारे पास रेट है। और जितनी रेट ज्यादा होगी उतना ही इंटरेस्ट ज्यादा होगा, और जितनी रेट कम होगी उतना ही इंटरेस्ट कम होगा। मान लीजिए मैं कहता हूँ 4%, इसका मतलब है कि अगर आप 100 रुपए जमा करते हैं बैंक में, एक साल तक उसको रखते हैं, तो आपको एक साल बाद 104 मिलेंगे, यानी 100 रुपीज पर 4 रुपीज विल बी द इंटरेस्ट। दिस इज द मीनिंग ऑफ द रेट 4%, यानी 4% इंप्लाइज इंक्रीज रुपीज 4 in 100, इंक्रीज रुपीज 4 in 100 इन अ ईयर। ये जो हमारे पास रेट गिवन है किसमें है, ईयर में है, इसका मतलब हमारे पास जो इंटरेस्ट है डिपेंड्स ऑन 3 थिंग, मनी डिपॉजिटेड यानी प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम और रेट यानी रुपीज इंक्रीज पर 100। और तब हम इंटरेस्ट निकालने के लिए, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और शॉर्टकट में SI और शॉर्टकट में I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T और अपॉन 100। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट। I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। P इज द प्रिंसिपल अमाउंट, R इज द रेट, T इज द टाइम। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने बैंक में 500 रुपए जमा किए, ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गई 500 रुपीज। मैंने 3 साल के लिए जमा किए, टाइम कितना हो गया 3 ईयर्स, और रेट जो थी वो 5% पर एनम थी, इसका मतलब आर हो गया 5। हमें निकालना है इंटरेस्ट कितना हुआ, तो आई इज इक्वल टू PRT और अपॉन 100। पी का मतलब 500 रुपीज, आर का मतलब 5%, टी का मतलब 3 upon 100, कैंसिल, यानी 5 into 5 into 3, यानी हमें 5 5 25 75 रुपीज इंटरेस्ट मिला। दिस इज ओनली इंटरेस्ट। अगर मैं कहूँ मुझे फाइनल अमाउंट क्या मिली, जो मुझे बैंक में मैंने पैसे जमा किए थे वो तो मेरे हैं ही है 500, 75 तो ब्याज है, इसका मतलब जो अमाउंट मिलती है, अमाउंट का मतलब टोटल पैसा क्या जो मैंने जमा किया था वो, और प्लस जो इंटरेस्ट मिला वो, जमा किए थे मैंने 500 रुपए, इंटरेस्ट मिला 75, यानी टोटल मिला के मुझे 575 रुपीज बैक मिलेंगे बैंक से। तो मैंने जमा किए थे कितने 500, वापसी कितने मिले 575। मुझे जमा करने का डबल फायदा हुआ, एक तो मेरा पैसा सिक्योर रहा और दूसरा इन्वेस्टमेंट हुआ, यानी मेरा पैसा कुछ बढ़ के आ गया। लंबे समय तक पैसा पड़ा रहेगा तो धीरे धीरे उसकी अमाउंट बढ़ती जाएगी। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। तो अब तक जो आपने पढ़ा नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, वो इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज पढ़ा, रेशियो टू परसेंटेज पढ़ा, और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा। इस सब का हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, यानी अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में, एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, आल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। पहले आपको बताना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और उसके बाद बताना है कितने परसेंट हुआ। Question number 1, part number A. Given है gardening shears बोट रुपीज 4 rupees 250, बोट मतलब cost price, तो cost price is equal to rupees 250, and sold rupees 325, sold का मतलब selling price rupees 325। देखिए SP बड़ी है या CP बड़ी है, SP बड़ी है, इसका मतलब हमने कम में खरीदा ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट हुआ। SP इज ग्रेटर देन CP, सो प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या, SP माइनस CP, SP 325, CP 250, यानी 75 रुपीज हमारे पास क्या हुआ, प्रॉफिट। अब हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो
अपॉन सीपी और इंटू 100। फॉर्मूले जरूर याद कर लेना क्योंकि बिना फॉर्मूले तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अब प्रॉफिट कितना हुआ, एक्चुअल प्रॉफिट 75 अपॉन सीपी कितनी है हमारे पास 250 और इंटू 100। दिस इज प्रॉफिट परसेंट, जीरो से जीरो कैंसिल, 30%। देखिए दो चीजें हैं, फर्स्ट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट इज 75 रुपीज, सेकेंड इज प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंटेज 30%। पहले आपको प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना है और उसके बाद प्रॉफिट या लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है, बाकी पार्ट आप अपने आप करेंगे इसके बिल्कुल सेम इसी तरीके से। ये याद रखना कि प्रॉफिट हो या लॉस हो अपॉन में हमेशा सीपी आता है। एक लॉस का क्वेश्चन और कर देते हैं, डी वाला देखिए, डी आइसकर्ट बोर्ड रुपीज 250 एंड सोल्ड रुपीज 150। डी पार्ट देखिए इसका, पार्ट नंबर डी, आइसकर्ट बोर्ड रुपीज 250 यानी कॉस्ट प्राइस रुपीज 250 एंड सोल्ड रुपीज 150 रुपीज में बेच दिया। देखिए 250 में से परचेज किया और 150 में बेच दिया, ऑब्वियसली लॉस हुआ, तो लॉस सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, सो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, यानी 250 माइनस 150 इम्प्लाई 100 रुपीज का लॉस हुआ एक्चुअल। अगर हमें लॉस निकालना है परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू व्हाट, लॉस अपॉन सीपी और इनटू 100, अपॉन में हमेशा सीपी रहेगी, तो इज इक्वल टू लॉस कितना हुआ एक्चुअल 100 अपॉन सीपी कितनी 250 और इनटू 100। अभी लॉस कन्वर्ट हो गया परसेंट में, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 5 20 5 5 2 10 5 20 100 22 40, यानी जो लॉस परसेंट है वो क्या है 40% है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू देखिए, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। जो हमने सिखाया था कि जब रेशियो के ईच पार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो जो भी फर्स्ट पार्ट अपॉन टोटल इंटू 100, सेकेंड पार्ट अपॉन टोटल इंटू 100, दो तीन तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। जैसे हमारे पास ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर टू पार्ट नंबर ए, रेशियो गिवन है 3:1, पहले दोनों का सम, सम कितना हुआ 3+1 इज इक्वल टू 4, तो फर्स्ट का परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट, जो फर्स्ट पार्ट है 3 अपॉन टोटल इन 200, कितना हुआ 4 25 100 यानी 75%। जो सेकंड शेयर है, मान लीजिए हमने इसको मान रखा है फर्स्ट और इसको मान रखा है सेकंड, तो सेकंड का जो परसेंटेज पार्ट है वो जो सेकंड पार्ट है 1 अपॉन दोनों का टोटल और इन 200 यानी 25%। सभी में ऐसा ही करना है, दोनों का सम फाइंड आउट करना है, फिर पहले पार्ट का परसेंटेज, पहला पार्ट अपॉन टोटल इन 200, दूसरे पार्ट का परसेंटेज, दूसरा पार्ट अपॉन टोटल और इन 100। अगर तीन है तो तीनों में भी ऐसा ही होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले तीनों का सम, फिर फर्स्ट अपॉन टोटल इनटू 100, सेकंड अपॉन टोटल इनटू 100, थर्ड अपॉन टोटल इनटू 100। एक तीन वाला कर देते हैं, डी पार्ट देखिए 125, डी पार्ट में गिवन है 1:2:5, लेट हमने इसको मान लिया फर्स्ट रेशियो, सेकंड और रेशियो थर्ड, पहले सम फाइंड आउट किया तो 1+2+5 5 2 7 और 1 8, तो फर्स्ट का परसेंटेज शेयर, जो फर्स्ट का शेयर है अपॉन टोटल इंटू 100, फर्स्ट का शेयर कितना है 1, टोटल कितना है 8 इंटू 100, तो 2 4 8 250, फिर 2 2 225 यानी 25/2% और 12/1/2%। ऐसे ही सेकंड का परसेंटेज शेयर, जो सेकंड का शेयर है 2 अपॉन टोटल इनटू 100, 2 4 8 4 25 100 यानी 25%। और जो थर्ड का शेयर है, थर्ड का परसेंटेज शेयर थर्ड
अपॉन टोटल और इंटू 100, 4 2 8, 425 जा 100 यानी 125 अपॉन 2, 26 जा 12, 62 होल 1.5%, दिस इज द परसेंटेज शेयर ऑफ ईच पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज का क्वेश्चन है। देखिए कैसे सेट करना है, बड़े आसान होते हैं क्वेश्चन, एक बार बस आपको ध्यान से इसको सेट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जो भी हमारे पास स्टार्टिंग में अवेलेबल है वो ओरिजिनल कहलाता है। ओरिजिनल पॉपुलेशन हो, ओरिजिनल स्ट्रेंथ हो, ओरिजिनल मनी हो, जो भी है वो ओरिजिनल है। पहले क्या थी पॉपुलेशन 25,000, तो वो ही ओरिजिनल ओरिजिनल पॉपुलेशन, जिसको इनिशियल भी बोलते हैं। ओरिजिनल पॉपुलेशन इज इक्वल टू 25,000, जो लास्ट में हो गई उसको बोलते हैं फाइनल। तो फाइनल पॉपुलेशन इज इक्वल टू 24,500। देखिए पहले 25,000 थी, उसके बाद 24,500 यानी डिक्रीज हो गई है। तो पहले हम एक्चुअल डिक्रीज निकालेंगे। देखिए दो चीजें हैं, एक एक्चुअल और एक परसेंटेज। पहले हमने निकाला एक्चुअल डिक्रीज, कितना हुआ 25,000 थी और माइनस 24,500 यानी 500 कम हो गई है। दिस इज एक्चुअल डिक्रीज। वी हैव टू फाइंड आउट डिक्रीज परसेंटेज। डिक्रीज परसेंटेज का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था एक्चुअल डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल। यहां जब भी रखी जाएगी क्या रखी जाएगी, ओरिजिनल पॉपुलेशन और इनटू 100। एक्चुअल डिक्रीज कितना हुआ 500, ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी हुई 25,000 और इनटू 100। तो जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो, 25 to 50 इंप्लाइज 2%। सो एक्चुअल सॉरी परसेंटेज डिक्रीज इज 2%। सेम क्वेश्चन नंबर 4, अरुण बोट ए कार फॉर ₹3,50,000। द नेक्स्ट ईयर प्राइस वेंट अप टू ₹3,70,000। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। अब की बार इंक्रीज ऑफ प्राइस है, बिल्कुल सेम टाइप है, अपने आप सॉल्व कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5, आई बोट अ टीवी फॉर ₹10,000 एंड सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹20%। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट। देखिए दो तरीके हैं, या तो एक हमने फॉर्मूला लिखवाया था आप उससे सॉल्व करें, या हम डायरेक्टली पहले प्रॉफिट निकाल लें तब उससे सॉल्व करें। मैं आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूं, आपकी मर्जी, आप चाहे जिससे सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या गिवन है हमें, आई बोट अ टीवी फॉर ₹10,000। इसका मतलब जो सीपी गिवन है दैट इज 10,000। उसके बाद प्रॉफिट गिवन है 20%, एक्चुअल प्रॉफिट गिवन नहीं है, प्रॉफिट परसेंट में गिवन है। तो यह तो पहला तरीका है कि मैं एक्चुअल प्रॉफिट निकालूं। एक्चुअल प्रॉफिट क्या हुआ 20% ऑफ 10,000 यानी 20/100 इंटू 10,000। 0000 मल्टीप्लाई यानी 20 × 100 इंप्लाइज 2,000। दिस इज एक्चुअल प्रॉफिट। मुझे निकालनी क्या है सेलिंग प्राइस। देखिए मैंने खरीदा था कितने में 10,000 में और प्रॉफिट लिया 2,000। तो सीपी प्लस प्रॉफिट यानी 10,000 और प्लस 2,000 यानी 12,000 हुआ एसपी। दिस इज फर्स्ट मेथड। दिस इज फर्स्ट मेथड। द सेकंड मेथड इज फॉर्मूला मेथड। वी डायरेक्टली अप्लाई द मेथड ऑफ एसपी। यहां कर देते हैं, देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इनटू सीपी। तो एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना 20%, ये प्रॉफिट परसेंट में होता है हमेशा ना, अपॉन 100 और इनटू सीपी कितनी 10,000। तो एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस 20 यानी 120 अपॉन 100 इनटू 10,000। 0000 यानी 120 इनटू 100 इज इक्वल टू 12,000 रुपीज। दिस इज
सेकंड मेथड, फॉर्मूला मेथड, लेकिन इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला उस दिन हमने बताया था कि फॉर्मूला कहां से आया, यहीं से आया है, इसी के रिजल्ट को हमने फॉर्मूला बना दिया है। तो आप चाहे ऐसे करें पूरा डिटेल और चाहे ऐसे करें, लेकिन इसके लिए आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जूही सेल से वॉशिंग मशीन ₹4,13,500, सी लॉसेज 20% इन बार्गेन, व्हाट वाज द प्राइस एट विच सी बोट इट। उल्टा है इस बार, इस बार एसपीआर को गिवन है, यू हैव टू फाइंड आउट सीपी। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे यही वाला। देखिए, मैंने उस दिन भी करके दिखाया था कि नए फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आप एक ही फॉर्मूले से दोनों काम करेंगे, चाहे हमें एसपी निकाल ली हो चाहे सीपी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। एसपी इज इक्वल टू लॉस है इस बार, और लॉस क्या होता है, माइनस। तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 और इनटू सीपी। एसपी गिवन है कितनी, 13,500, दिस इज एसपी, क्योंकि इतने में उसने बेचा है, इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस गिवन है कितना, 20% अपॉन 100 और इनटू सीपी। बस यही गलती मत करना, यहाँ 100 से 100 कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस में है, और जब भी प्लस और माइनस सॉल्व नहीं होते न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तब तक कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब 13,500 पहले माइनस, 100 माइनस 20, 80 अपॉन 100 इनटू सीपी, अभी 100 डिवाइड में है, तो इधर आके मल्टीप्लाई, ये 80 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, और इज इक्वल टू सीपी। बस कैलकुलेशन, जीरो से जीरो कैंसिल, क्या मिला, 24 जा 8 और 25 जा 10, ठीक है। 4 से इसको काट दिया, 4 3 जा 12, कितना मिला 1 15, 4 3 जा 12 30, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, 2 5 7 35, 2 37 3 5 3 15, 3 18 1 5 3 15 1 16, दिस इज द सीपी। सो वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द सीपी बाई यूजिंग द सेम फॉर्मूला। सिर्फ लॉस और प्रॉफिट का ध्यान रखना है, अगर प्रॉफिट है तो प्लस पी, लॉस है तो माइनस, सीधी बात, प्रॉफिट पी यानी प्लस, लॉस यानी माइनस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। चॉक कंटेन्स कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 10:3:12, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन। वही जैसे रेशियो का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, सेम वैसे ही होगा, यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड ना देके कैल्शियम और कार्बन दे दिया है। देखिए गिवन है चॉक कंटेन्स कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, तो ये कैल्शियम रेशियो कार्बन और रेशियो ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या, 10:3:12 टोटल, टोटल क्या हो गया, 10+3+12 यानी 22 और 3 25। अब इसकी परसेंटेज पूछी है कार्बन, कार्बन का ओरिजिनल शेयर क्या है 3, तो कार्बन की परसेंटेज जो कार्बन का शेयर है अपॉन टोटल और इनटू 100, 25 4 जा 100 यानी 12% हमारे पास कार्बन है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, इन अ स्टिक ऑफ चौक कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ चौक। देखिए कार्बन यह 3 ग्राम है, वेट क्या है 25, देखिए कार्बन यह कितनी है 3 तो है, तो टोटल वेट क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट था। सेकंड, कार्बन इज इक्वल टू गिवन है 3%, कार्बन कितने गिवन है 3%, देखिए कार्बन वैसे ओरिजिनल चौक में होती है 12%, ठीक है। तो यहां देखिए यहां कार्बन कितनी है 3 और यह टोटल वेट कितना है 12, तो इफ कार्बन इज 3% देन टोटल वेट, बहुत ढंग से नहीं दिख रहा, कौन सा होता है, एक बार दोबारा लॉगिन कर लीजिए, यहां से तो सब सही है, यहाँ से सब सही है, 3% नहीं हो 3 ग्राम है ना? सर बोर्ड ढंग से नहीं दिख रहा, हाँ कह तो रहा हूँ दोबारा लॉगिन कर लीजिए, दिख रहा है ढंग से, अबे तुम अपना दोबारा लॉगिन करो, बिल्कुल सही काम होता है, लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन कर लीजिए। टोटल वेट इज इक्वल टू 10+3+12 यानी 25 ग्राम, यही देखिए यही बिल्कुल क्वेश्चन में ही आंसर गिवन है, कार्बन 3 ग्राम है, ये रहा 3, तो टोटल कितना है 25, हालांकि आप परसेंटेज से भी कर सकते थे कि कार्बन हमारे पास 12% है, या तो ऐसे कीजिए या
सेकंड पार्ट हमने मान लिया कि लेट वेट ऑफ चौक, लेट वेट ऑफ चौक इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स का 12% कार्बन है, तो कार्बन इज इक्वल टू क्या हुआ 12% ऑफ एक्स, लेकिन गिवन है कि कार्बन 3 ग्राम है, तो 12% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 ग्राम, यानी 12/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3, और एक्स इज इक्वल टू 3 × 100/12, 3×4 = 425 यानी 25 ग्राम। ये भी मेथड हो सकता है, या तो ये डायरेक्टली या ये, तुम्हारी मर्जी है सेकंड पार्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, अमीना बाई ये बुक 4 rupees 275 एंड सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 15%, हाउ मच डज सी सेल इट फॉर। अपने आप करेंगे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सीपी गिवन है, लॉस गिवन है, एसपी पूछा है, यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट बाई यूजिंग फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर इन ईच केस, टाइम 3 ईयर गिवन है, अमाउंट पूछी है, तो पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे और इंटरेस्ट को प्लस करेंगे तब अमाउंट आएगी। देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो इंटरेस्ट का है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट देखिए, गिवन है प्रिंसिपल अमाउंट 1200, यानी पी इज इक्वल टू रुपीज 1200, फिर आर रेट कितने गिवन है 12% पर एनम, ये पीए का मतलब है पर एनम यानी साल भर की, और टाइम गिवन है टी इज इक्वल टू 3 ईयर्स, तो पहले हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे आई, आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, पी का मतलब 1200, आर का मतलब 12 और टी का मतलब 3 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, कितना मिला तो 12 × 12 और इंटू 3, 12 × 144 × 3, 3×4 = 12, 3×4 = 13, 3×1 = 3 और 1 = 4, इतने रुपीज हमें इंटरेस्ट मिला। हमें निकालना क्या है अमाउंट, अमाउंट ये तो है हमारे पास, हमने जमा किए थे 1200 और ये मिला इंटरेस्ट, यानी 1632 रुपीज। ऐसे ही सेकंड पार्ट आपको अपने आप कर लेना है, पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है और इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के बाद उसको अपनी ही प्रिंसिपल अमाउंट में प्लस कर देना। अभी इंटरेस्ट तो ये मिला, ये तो हमारा पैसा था ही, तो आपसे कितना मिलेगा दोनों को प्लस करके। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹56,000 इन 2 ईयर्स, इस बार रेट पूछी है, फॉर्मूला हम एक ही यूज करेंगे। देखिए पहले बता चुके हैं कि बार बार हम फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे, एक ही फॉर्मूले से आपको करना है, वही इजी होता है हमेशा, ट्रांसपोज कीजिए जैसे आप लीनियर इक्वेशन में करते हैं। गिविन है इंटरेस्ट ₹280, तो यहाँ आई और आई गिविन है ₹280, टाइम 2 ईयर्स, रेट फाइंड आउट करनी है, प्रिंसिपल अमाउंट 56,000, ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला लगाया हमने आई, आई इज इक्वल टू वॉट पी आर टी अपॉन 100, आई गिविन है 280, प्रिंसिपल अमाउंट गिविन है 56,000, आर पता नहीं, टी गिविन है 2 ईयर्स अपॉन 100, ये 100 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में 280 × 100, ये 56 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, ये 2 भी मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, और इज इक्वल टू आर, ट्रांसपोज किया, 100 डिवाइड में था मल्टीप्लाई में आया, ये दोनों मल्टीप्लाई में थे डिवाइड में, अब कैंसिलेशन 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 28 × 2 = 56, ऊपर से क्या मिला ओनली 1, नीचे से क्या मिला 2 × 2 = 4, यानी R इज इक्वल टू 1/4%, ठीक है, सो रेट इज इक्वल टू 1/4%, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 ईयर एट 9% रेट पर एनम, व्हाट इज द सम सी बोरोड, इस बारे में क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करनी है। देखिए फिर दोबारा सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्या क्या गिवन है,
इंटरेस्ट रुपीज 45, यानी आई इज इक्वल टू रुपीज 45। और क्या गिवन है? 1 ईयर, यानी टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर। और क्या गिवन है? रेट 9%, यानी आर इज इक्वल टू 9% पर एनम। व्हाट इज द सम? प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करनी है। वी नो दैट आई इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। आई कितना? 45। पी पता नहीं, आर 9, टी 1 अपॉन 100। फिर वही ट्रांसपोज, देखिए हमें पी निकालना है तो बाकी सबको उठा के इधर लाना है। 45 यही रहा, 100 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में आया। 9 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आया और इज इक्वल टू पी। 1 से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। 9 5 45, 5 × 100, 500 इज इक्वल टू पी। इसका मतलब पी इज इक्वल टू रुपीज 500। इसका मतलब जो अमाउंट उसने बोरो की थी, दैट वाज रुपीज 500। दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड ऑफ द चैप्टर।